और ये हमारी भिंडी तैयार हो गई है फ्रेंड्स, सर्व करने के लिए गर्मा गर्म। और आपको लग रहा है ना कि ये मसाले की है, लेकिन ये बिल्कुल सादा है और बहुत ही टेस्टी। वे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग हमने ये भिंडी ले ली है, जितनी आप लोगों को बनाना हो आप उसी प्रकार ले सकते हैं, आधा किलो या एक किलो, और ऐसे लंबे लंबे भागों में कट कर लेना है। ये देखिए, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे। और चलिए बनाना शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम डालेंगे तेल, और ये सरसों का तेल डालेंगे हम लोग। इससे टेस्ट अच्छा आता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। तेल हमारा गर्म हो गया है फ्रेंड्स, तो हम डाल देंगे लहसुन, और जैसे ही लहसुन सुनहरा हो जाएगा तो डाल देंगे भिंडी। और ये जो भिंडी है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल मसाले जैसी बनकर तैयार होगी। मिक्स कर देंगे और नमक डाल देंगे थोड़ा। हल्दी पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और अब हमने डाल दिया है एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। मिक्स करेंगे और हमारी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। और आप लोग बोलेंगे इसमें खास ट्रिक क्या है, तो इसमें खास बात यह है कि इसमें हम लोग डालेंगे मूंगफली का पाउडर। मूंगफली को भूनकर हमने ये मोटा मोटा पाउडर बनाया है, न ज़्यादा महीन न ज़्यादा मोटा। इसे डालेंगे दो चम्मच, मिक्स करेंगे और दो मिनट तक पकाएंगे मीडियम आंच पर। और आप खुद देखेंगे कि कितनी टेस्टी भिंडी बनकर तैयार हुई है सिर्फ 10 मिनट में। और आप लोग इसे सफर में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्याज नहीं है ना, तो ये खराब भी नहीं होगी जल्दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।